दोस्तों, मैं मोहम्मद नईम शेख। तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि जो डीएलएफ लिमिटेड है, हिंदुस्तान का बहुत ही बड़ा बिल्डर कंस्ट्रक्शन कंपनी, जो तुलसीवाड़ी तारदेव को डेवलपमेंट में शामिल हुआ है जॉयस हाउसिंग लिमिटेड के तहत, और साथ ही साथ पीएनबी फाइनेंस हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, जिसने 800 करोड़ रुपया ग्रांट की थी जॉयस हाउसिंग लिमिटेड को लोन दी थी। तो ये दोनों ही कंपनी का मैं शेयर होल्डर हूँ, इनडायरेक्टली मैं ओनर हूँ इन दो कंपनियों का, अकॉर्डिंग टू माई होल्डिंग, मेरे पास जितने शेयर है। और मिस पठान, सबीना पठान हमारे स्टूडियो में आई और बता रही कि कितनी ज्यादा सिमिलरिटी है तुलसीवाड़ी तारदो का जो रिडेवलपमेंट हो रहा है उसमें, और वीर या माता नगर का जो डेवलपमेंट हो रहा है, जिसका सीएस नंबर है 17/47P, यानी पार्ट ऑफ लोअर परेल डिवीजन। तो इस मौजू पे हम बात करेंगे और वहां के रहने वालों को बताएंगे कि कितनी सिमिलरिटी है इन दो प्रोजेक्ट में। अस्सलाम वालेकुम, मैं सबीना पठान। वालेकुम अस्सलाम। मैं भी तारदो तुलसीवाड़ी में रहती हूँ और मेरा बचपना भी वहीं गया है। जीजा माता नगर और तारदो तुलसीवाड़ी एरिया, ये 2 किलोमीटर के अंदर ही है, ये ज्यादा दूर है नहीं। तो वहां का बिल्डर वहां के एरिया के लिए वहां के रहने वालों को 30,000 महीना भाड़ा दे रहा है। हमारा तारदो तुलसीवाड़ी झोपड़पट्टी जो एरिया सिलम एरिया होता है, सिलम एरिया, तो हमको क्यों 18,000 दिया जा रहा है, 17,000 दिया जा रहा है महीने का। और वहां का बिल्डर 500 फीट इसको फीट एरिया उनको दिया जा रहा है। देखो, मैं तारदो वालों से फिर बोलूंगी, ये वीडियो बार बार सुनना। और हमारे एरिया में 300 फुट 300 स्क्वायर फीट एरिया दिया जा रहा है, तो कितनी धती ने कितना काला कांडी है, मतलब कितना ये लोग अपना फायदा सोच रहे, मतलब हर तरीके से अपना फायदा सोच रहे और हम गरीबों को दबाए जा रहे हैं। मिस पठान ने बजा फरमाए, क्योंकि ये जो वीर जीजा माता नगर है, जिससे लोखंडवाला इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड अलोंग विथ लोखंडवाला डीबी रियल्टी एलएलपी डेवलप कर रहे हैं, जिसमें इरफान रजाक जो है प्रेस्टीज ग्रुप बेंगलुरु का, वो भी शामिल हुआ है। और ये जो तुलसीवाड़ी का जो प्रोजेक्ट है और जीजा माता का जो प्रोजेक्ट है, अनकरीब सिमिलर ही है। क्यों? क्योंकि वो भी 20-25 साल पुराना प्रोजेक्ट है, जीजा माता नगर, और ये भी तुलसीवाड़ी का भी 20-25 साल पुराना प्रोजेक्ट है। दूसरी बात, दोनों का रकबा भी सेम है। जीजा माता नगर अगर 17.25 एकड़ है तो तुलसीवाड़ी 17 एकड़ है, लगभग सेम है। मगर वहां का बिल्डर, वीर जीजा माता नगर का बिल्डर डेवलपर वहां के रहने वालों को, जो स्लम में घर है, उसको 30,000 रुपया महाना रेंट दे रहा है। और साथ ही साथ उनको जो रिहेब में देगा, उनको जो टावर में जगह देगा, 500 स्क्वायर फीट के ऊपर देगा। लेकिन यहाँ पे तारदेव तुलसीवाड़ी में जो बिल्डर आया है, वो जो महाना भाड़ा दे रहा है सिर्फ 17,000 रुपया दे रहा है, जबकि इतने रुपए में साउथ मुंबई में स्लम में दिन में दिया लेके भी घूमेंगे तो घर नहीं मिलने वाला। और दूसरी बात, ये जो दे रहा है रकबा दे रहा है, जो एरिया दे रहा है, कार्पेट एरिया दे रहा है 300 स्क्वायर फीट, जब तुलसीवाड़ी और जीजा माता नगर का जो एरिया, जो वर्ली में वाक्य है जीजा माता नगर, इनका डिस्टेंस 2 किलोमीटर भी नहीं है, उसके अंदर है, दोनों भी रेस कोर्स फेसिंग है। तो ये बिल्डर जो है तुलसीवाड़ी का और वहां की जो सोसाइटी है, तुलसीवाड़ी नॉन निर्माण कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड, क्या कर रही है? उनका अगर जीजा माता नगर का 20-25 साल पुराना प्रोजेक्ट है, तो तुलसीवाड़ी का भी 20-25 साल पुराना प्रोजेक्ट है। वो आज अगर 30,000 महाना रेंट दे रहे हैं, 500 स्क्वायर फीट के ऊपर का वहां के रहने वाले को जगह दे रहे, तो तुलसीवाड़ी में क्यों 17,000 भाड़ा मिल रहा है और महज 300 स्क्वायर फीट का अलॉटमेंट इन द शेप ऑफ रिहेब कैसे मिल रहा है? मैं वहाँ के सोसाइटी से रिक्वेस्ट करती हूँ और उधर के बिल्डर से रिक्वेस्ट करती हूँ, तुलसीवाड़ी के लोगों से जो सोसाइटी के है तुलसीवाड़ी के, तो उनसे भी रिक्वेस्ट करती हूँ, वहाँ के बिल्डर से भी रिक्वेस्ट करती हूँ, जो जीजा माता नगर में जो उनका बिल्डर उनको 30,000 महीना दे रहा है, तो हमको भी 30,000 महीना दे। एब्सोल्युटली राइट, क्यों कंपल्सरी ऐसा होता ही है। और भाई, हम अपने घर के लिए आवाज नहीं उठाएंगे तो कब उठाएंगे फिर? और रही एक बात और है, मैं फिर बोलूंगी यही बात,
के जो 300 का हमको एरिया मिल रहा है उसमें हम लोग एग्री नहीं है, क्योंकि वहाँ का बिल्डर 500 का एरिया दे रहा है, तो हमको 500 के ऊपर है, तो हमको भी वैसे ही सेम चाहिए। खुदा हाफिज, जय हिंद, जय महाराज। हम उम्मीद करेंगे कि मिस पठान की आवाज स्टेट के सीएम के पास पहुंचेगी, हाउसिंग मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, म्यूनिसिपल कमिश्नर और साथ ही साथ अदर डिपार्टमेंट को पहुंचेंगे और ये बहुत ही सही आवाज बुलंद कर रही है वहां के रहने वालों के लिए। खुदा हाफिज़।